नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी रोका सोनू स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज मैं आप लोगों को एनसीआरटी बुक क्लास नाइन्थ हिंदी चैप्टर दो मंत्र नानक देव गद्य खंड पर प्रश्नोत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा प्रश्न नंबर एक निम्नलिखित गद्यांशों में रेखांकित अंशों की संदर्भ सहित व्याख्या और तथ्यपरक प्रश्नों के उत्तर दीजिए क्वेश्चन नंबर एक मोटर चली गई बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की भी परवाह नहीं करते शायद इसका उसे अब भी विश्वास न आता था सभ्य संसार इतना निम्न इतना कठोर है इसका ऐसा मर्मभेदी अनुभव अब तक न हुआ था वह उन पुराने जमाने में जीवो जीवो में था जो लगी हुई आग को बुझाने मुर्दे को अंधो कंधों देने किसी के छप्पर को उठाने और किसी कला को शांत करने के लिए सदैव तैयार रहते थे जब तक बूढ़े को मोटर दिखाई दी वह खड़ा टकटकी लगाए उस ओर ताकता रहा प्रश्न नंबर एक प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। क्वेश्चन नंबर दो रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए क्वेश्चन नंबर तीन पुराने जमाने के जीवों का व्यवहार कैसा था क्वेश्चन नंबर चार भगत को किस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था क्वेश्चन नंबर पांच भगत के अनुसार सभ्य संसार कैसा है अर्थात आमोद प्रमोद मनोरंजन करना जान जीवन परवाह चिंता निर्मम निर्दय उत्तर नंबर एक संदर्भ प्रस्तुत गदानारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद में सकलित एवं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित मंत्र नामक कहानी से अवतरित है इसमें लेखक ने विरोधी घटनाओं और भावनाओं के चित्रण द्वारा कर्तव्य का बोध कराया है यहाँ पर लेखक ने बूढ़े भगत तथा डॉक्टर चड्ढा के व्यवहार का वर्णन किया है नंबर दो रेखांकित अंशों की व्याख्या बूढ़े भगत अपने बीमार बेटी को दिखाने डॉक्टर चड्ढा के पास आया परंतु डॉक्टर चड्ढा ने उसकी प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया और मोटर में सवार होकर खेलने चले गए मोटर चली जाने के बाद बूढ़ा भगत सोचने लगा कि क्या संसार में ऐसे ही हृदयहीन व्यक्ति हैं जो अपने मनोरंजन के सामने दूसरे के जीवन की कोई चिंता नहीं करते वह ऐसा व्यवहार की लेस मात्र भी आशा नहीं करता था उसे अपनी सरलता के कारण उसके इस कठोर व्यवहार पर अब भी विश्वास नहीं हो रहा था वह यह नहीं जानता था कि सभ्य संसार इतना हृदयहीन और कठोर होता है इस बात का हृदय पर सी, अनुभव उसे कभी तक कभी नहीं हुआ था वह प्राचीन मान्यताओं और परंपराओं को मानने वाला व्यक्ति था वह उस व्यक्तियों में से था जो सदैव परोपकार में लीन रहने रहते हैं जो दूसरों की आग को बुझाने मुर्दों को कंधा देने किसी के छप्पर को उठाकर रखने और किसी के घर की लड़ाई को शांत करने को ही अपना कर्तव्य समझते हैं इस प्रकार बूढ़ा भगत निस्वार्थ सेवा करने वाला और दूसरों के दुख में सहयोग तथा सहानुभूति रखने वाला व्यक्ति था प्रश्न नंबर तीन पुराने जमाने के जीवों का व्यवहार सरलता से परिपूर्ण होते थे प्रश्न नंबर चार भगत को विश्वास नहीं हो रहा था कि संसार में ऐसे मनुष्य भी रहते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की परवाह नहीं करते करते हैं प्रश्न नंबर पांच भगत के अनुसार सब संसार बहुत निर्मम एवं कठोर है प्रश्न नंबर दो अरे मूर्ख यह क्यों नहीं कहता कि जो कुछ न होना था हो चुका जो कुछ होना था वह कहाँ हुआ माँ बाप ने बेटे का चेहरा कहाँ देखा लिनी का कामना तरु क्या पल्लव और पुष्प से रंजित हो उठा मन वह स्वर्ण स्वप्न जिससे जीवन आनंद का स्रोत बना हुआ था क्या पूरे हो गए जीवन के में तारिका, संसार आमूत की बाहर लूटने लूटते हुए क्या उसकी नौका जलमग्न नहीं हो गई जो न होगा होना था वह हो गया प्रश्न नंबर एक प्रस्तुत गधांश का संदर्भ लिखिए नंबर दो रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए नंबर तीन मां बाप ने क्या नहीं देखा नंबर चार नौका जलयान होना का अर्थ क्या अर्थ है नंबर पांच मृणालिनी का कामना तरु क्या था शब्दार्थ सेहरा का पगड़ी कामना तरु इच्छा रूपी वृक्ष पल्लव पत्ते रंजित युक्त लहर लहरनी स्वर्ण स्वप्न सुनहरी इच्छाएं स्रोत झरना नृत्यमय तारिका मंडित नाचते हुए तारों से प्रशंसा जलमग्न पानी में डूब जाना उत्तर नंबर एक संदर्भ प्रस्तुत गद्धावरण हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्य में सकलित एवं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित मंत्र नामक पाठ से लिया गया है प्रस्तुत गद्धांश में उस समय का विवरण है जबकि कैलाश के प्राण संप्रदर्श संप्रदर्शन द्वारा हर लिए जाते हैं तथा झाड़ फेंक के साधन भी उत्तर दे जाते हैं तो एवं एक सज्जन कहते हैं नंबर दो रेखांकित अंशु की व्याख्या अरे मूर्ख आज इस घर में जो हुआ है वह नहीं होना चाहिए था क्योंकि कैलाश न युवक है जीवन में समस्त आनंदों का रसा स्वाद अभी उसके लिए शेष है उसके माता पिता तो उसका विवाह भी न देख पाए और मृणालिनी उसकी कामनाएं जो कैलाश में जीवित होने पर पुष्पित पल्लवित थी कैलाश के आकस्मिक निधन से नष्ट प्राय हो गई है जब जीवन के आनंद का एकमात्र सूरत कैलाश ही उसके जीवन में न रहा तो वह अब किस अनिवर्चनीय आनंद की अनुभूति करे उसके मन की अनेक इच्छाएं एवं सुनहरे सपन क्या कैलाश की मृत्यु के साथ अपूर्ण होकर नहीं रह गए जिस प्रकार किसी संसार में आमोद प्रमोद करती नाव संसार की उठती हुई तरंगों से संसार के गर्भ में समा जाती है उसी प्रकार कैलाश रूपी नौका के सवार भी, जीवन रूपी सागर में जल सागर के जल में पूर्णतः डूब गए थे भाव यह है कि कैलाश की मृत्यु उस समय हुई जबकि उसे जीवन के प्रत्येक सुख को देखना था तथा उसकी मृत्यु से उसके पिता माता पिता मृणालिनी आदि सभी पूर्णता प्रभावित हुए हैं प्रश्न नंबर तीन माँ बाप ने बेटे के सिर पर सहरा नहीं देखा प्रश्न नंबर चार नौका जलमग्न होने का तात्पर्य सहारा नष्ट हो जाना जिससे मृणालिनी का विवाह होना था जब वह नहीं रहेगा तो इसे ही नौका का जलमग्न कहा जाएगा प्रश्न नंबर पाँच मृणालिनी संकल्पना तरु वैवाहिक जीवन का स्वर्ण स्वप्न था जो जीवन आनंद का स्रोत बना हुआ था जो समय पर पल्लव और पुष्प से रंजित होता प्रश्न नंबर तीन वही हरा भरा मैदान था वही सुनहरी चांदनी एवं निशब्द संगीत की भांति प्राकृतिक परछाई हुई थी वही मित्र समाज था वही मनोरंजन के समान थे मगर जहाँ हास्य की ध्वनि थी वहाँ अब करुण कंदन और अशुभ प्रभा था प्रश्न नंबर एक उपयुक्त गद्धा गदखंड का संदर्भ लिखिए नंबर दो रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए प्रश्न नंबर तीन प्राकृतिक प्राकृति पर क्या छाई हुई थी उत्तर नंबर एक संदर्भ प्रस्तुत गदांशु मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी मंत्र से उदित है नंबर दो रेखांकित अंशों की व्याख्या कैलाश के जन्मदिन समारोह के समय जो हंसीपूर्ण वातावरण था चारों ओर हास्य परिहास्य छाया था वही कैलाश को सांप के काट लेने पर करुण पुकार होने लगी थी सभी ने सभी के नेत्रों से आंसू बह रहे थे हर्ष का वातावरण शोक में बदल गया था प्रश्न नंबर तीन प्राकृतिक पर सुनहरी चांदनी संगीत की भांति छाई हुई थी प्रश्न नंबर चार वह एक जड़ी कैलाश को सुहा देता इस तरह न जाने कितने घड़े पानी कैलाश के सिर पर डाले गए और न जाने कितनी बार भगत ने मंत्र फेंका आखिर जब उषा ने अपनी लाल लाल आंखें खोली तो कैलाश भी कैलाश की भी लाल लाल आंखें खुल गई एक क्षण में उसने अंगड़ाई ली और पानी पीने को मांगा डॉक्टर चड्ढा ने दौड़कर नारायणी को गले लगा लिया नारायणी दौड़कर भगत के पैरों पर गिर पड़ी और मृणालिनी कैलाश के सामने आंखों में आंसू भरे पूछने लगी अब कैसी तबीयत है प्रश्न नंबर एक उपयुक्त गद्धांश का संदर्भ लिखिए

उसके सिर पर घड़े भर पानी घड़े भर भर कर पानी डाला गया बूढ़े भगत ने इस बीच कई बार उस पर मंत्र फेंका काफी समय बाद जब उषा ने कैलाश को देखने के लिए अपनी लाल लाल आंखें खोली तो उसी समय अचानक कैलाश की भी लाल आंखें खुल गईं अंगड़ाई लेते हुए कैलाश ने पीने के लिए पानी मांगा तो इतना सुनते ही डॉक्टर चड्ढा ने नारायणी को प्रसन्नता के आवेश दौड़कर गले लगा लिया नारायणी कृतज्ञ भाव से भरकर तुरंत ही भगत के पैरों पर गिर पड़ी मृणालिनी आंखों से आंसू भगत भरकर कैलाश से पूछने लगी अब तुम्हारी कैसी तबीयत है प्रश्न नंबर तीन आंखें खुलते ही कैलाश ने अंगड़ाई लेते हुए पानी मांगा प्रश्न नंबर पांच छड्ढा रात को मैंने नहीं पहचाना पर जरा साफ हो जाने पर पहचान गया एक बार यह एक मरीज को लेकर आया था मुझे अब याद आता है कि मैं खेलने जा रहा था और मरीज को देखने से इनकार कर दिया था आज उस दिन की बात याद करके मुझे जितनी गलानी हो रही है उसे प्रकट नहीं कर सकता मैं उसे खोज निकालूंगा और पैरों पर गिरकर अपना अपराध क्षमा कराऊंगा वह कुछ लो लेगा नहीं यह जानता हूँ उसका जन्म यश की वर्षा करने की वर करने ही के लिए हुआ है उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर्श दिखा दिया है जो अभी से जीवन रत्न मेरे सामने रहेगा प्रश्न नंबर एक उपयुक्त गद्धांश का संदर्भ लिखिए प्रश्न नंबर दो रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए क्वेश्चन नंबर तीन गलानी किसको हो रही थी क्वेश्चन नंबर चार डॉक्टर चड्ढा किस आदर्श पर जीवन भर चलने का संकल्प लेते हैं नंबर प्रस्तुत पंक्तियों में भगत किस भगत की किस चारित्रिक विशेषता का पता चलता है शब्दार्थ गलानी दुख जीवन प्रयत्न जीवन के अंत उत्तर नंबर एक संदर्भ यह गद्यांश समारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य में सकलित एवं मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित मंत्र नामक पाठ से लिया गया है इसमें उन्होंने यह बताया है कि मनुष्य को अपनी गलतियों का अनुभव तब होता है जब उसके प्रायश्चित का समय निकल जाता है अपने ऊपर उसी प्रकार की विपत्ति के आने से मनुष्य की आंखें खुल जाती है नंबर दो रेखांकित अंशों की व्याख्या बूढ़े के मंत्र तंत्र के उपचार से कैलाश ठीक हो जाता है डॉक्टर चड्ढा उस बूढ़े को पहचानने का प्रयास करते हैं और अंततः उसे उन्हें उस घटना का स्मरण हो आता है जब वह गोल्फ खेलने के लिए जा रहे थे और वह बूढ़ा अपने इकलौते पुत्र पुत्र का मृत प्राय अवस्था में उसके पास लेकर आया था लेकिन वह उसको देखे बिना गोल्फ खेलने के लिए चले गए थे आज बूढ़े जरा अपने ऊपर किए गए उपकार के कारण उन्हें अपने उस दिन के व्यवहार पर अपार दुख हो रहा है वह आज अपने उस अमानवीय व्यवहार का प्रायश्चित करना चाहते हैं अपनी पत्नी नारायणी से वे कह रहे हैं कि यद्यपि मैं जानता हूँ कि वह बूढ़ा कुछ लेगा नहीं तथापि मैं उसे अवश्य खोजें खोजूंगा वह अवश्य ही मेरे अपराध को क्षमा कर देगा इस संसार में कुछ लोग दूसरे की भलाई के लिए ही जन्म लेते हैं अपने लिए नहीं वह बूढ़ा भी उस उन लोगों में से ही एक व्यक्ति था लगता है कि भगवान ने उसको यश की वर्षा करने के लिए ही जन्म दिया है अपने निस्वार्थ सेवा भावना से उसने मुझे सज्जनता का ऐसा आदर्श दिखा दिया है जिसे मैं जीवन के अंतिम क्षण तक याद रखूंगा याद रहेगा नंबर तीन ग्लानी डॉक्टर चड्ढा को हो रहा था हो रही थी प्रश्न नंबर चार डॉक्टर चड्ढा भगत द्वारा दिखाए सजनता के आदर्श पर जीवन भर चलने का संकल्प लेते हैं प्रश्न नंबर पाँच इन पंक्तियों में भगत की चारित्रिक विशेषता उसकी सज्जनता है उनका जन्म यश की वर्षा करने की करने ही के लिए हुआ था अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू फॉर वॉचिंग